अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा कम्प्लीटली डिफरेंट सैलड। अगर आप सैलड लवर हैं, तरह तरह के सैलड्स खाना आपको अच्छा लगता है, अपनी दावतों में आप सैलड्स की वैरायटी रखते हैं, सो दिस वन्स फॉर यू। इसे हम कहते हैं लाइम पीनट चिकन सैलड। इसके लिए जो वेजिटेबल्स मुझे चाहिए होंगी, गाजर, ग्रीन कैबेज और पर्पल कैबेज। इन तीनों चीज़ों को मैंने लंबाई में बहुत पतला पतला सा कट कर लिया है स्लाइसर की मदद से। कैबेज को भी इसी तरीके से कट कर लिया है। कैबेज मैंने ये दोनों ली हैं आधा आधा पाव, और गाजर मैंने ले ली है तकरीबन दो बड़े साइज़ की। इसके अलावा मुझे चाहिए होगी ग्रीन अनियन चॉप्ड। एक पाव मैंने लिया है बोनलेस चिकन, बॉईल कर लिया है और इसको श्रेड नहीं किया है, बल्कि इसके इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे से रेशे कर लिए हैं हाथ से। इसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये हम यूज़ करेंगे सैलड की ड्रेसिंग बनाते वक्त। तो सबसे पहले सैलड की ड्रेसिंग ही बना लेते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ भी मिल सकें। तो रेंच के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा पीनट बटर, दो टेबल स्पून भर के ये ब्लेंडर में चला जाएगा, और जाएगा कोकोनट मिल्क एक क्वार्टर कप, दो टेबलस्पून इसमें जाएगा सेसमे ऑयल तिल का तेल, और दो टेबलस्पून ही इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। स्राचा सॉस मैं लूँगी इसमें दो टेबलस्पून भर के। अगर स्राचा सॉस ना हो तो आप हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। सोया सॉस भी जाएगा इसके अंदर दो टेबलस्पून। हनी भी चला जाएगा इसमें। और दो टीस्पून भर के लेमन जाएगा इसमें तीन टेबलस्पून। पीनट्स को कर देते हैं हम साइड में, पीनट्स इसके अंदर नहीं जाएंगी। तो अब हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड। और यहाँ पे हमारा बहुत टैंगी सा स्पाइसी सा सॉस ये रेडी हो गया है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अब चल के जल्दी जल्दी से सैलड की असेंबलिंग देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे थी गाजर, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये वाली सारी गोभी। इसमें चली जाएगी ये चिकन, और अब चली जाएगी ये वो पीनट की ड्रेसिंग जो हमने रेडी की थी। सैलड यहाँ पे रेडी हो गई है एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस सैलड। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी चॉप ग्रीन अनियन से और रोस्टेड पीनट से, और फिर इसको सर्व करेंगे।